जब से पेपर में आउट हुआ है कि ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक विल बी प्राइवेटाइज, या फिर दो बैंक है जो कि प्राइवेट हो जाएगा, उसके बाद मैंने भी वीडियो डाला था यूट्यूब पे, और भी बहुत सारे चैनल्स ने वीडियो डाले थे, तब से आपके दिमाग में ये घर बैठ लिया है कि भाई बैंक जो है प्राइवेट हो जाएगा। एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, देखो हम प्रैक्टिकल चीज़ थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का जो जितने भी सारे बेनिफिशियरी क्या बेनिफिशियरी जो है चल रहा है स्कीम्स, ये सब स्कीम जो कहाँ में इंप्लीमेंट होता है भाई, आप तो जानते हैं सब, अभी डीबीटी हो गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ना, ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? पब्लिक सेक्टर बैंक पे, थोड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। सो एक चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में हो रहा है, तो अगर ये सारे बैंक्स प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट का स्कीम कौन चलाएगा? ये पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद देखो एक चीज़, आप सुन रहे होंगे 2 साल से दो बैंक्स प्राइवेट होगा, आज भी वही दो बैंक का नाम चल रहा है, ठीक है। बाकी अभी तक हुआ है क्या? एक चीज़ है ना, ये एक इतना इतना बड़ा चीज़ है कि आप कहना और करने में बहुत फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क है। ऐसा नहीं कि मैं कह दिया और दो बैंक को ऐसे ही प्राइवेट कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपका जितने, जैसे कि इससे पहले 10 बैंक मर्ज हुआ था, चार बैंकों में। सो ये हो सकता है कि कुछ बैंक्स मर्ज हो जाए, कुछ बैंक को प्राइवेट किया जाए। देखो एक चीज़ है, आप जो प्राइवेटाइज को लेके दिमाग में टेंशन ले रहे हो, पढ़ाई क्यों करें अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाए, तो देखो ऐसा टेंशन लेना, आपको भाई जॉब करना है, जॉब करो। उसके लिए ना बैंक का यूनियन है, बहुत सारे यूनियंस है भाई, इसलिए मैंने आपको वो वीडियो में सिर्फ ये बताया था कि आप पढ़ाई करो बस। जब ट्विटर कैंपेन होगा, आपके लाइफ में 5 मिनट देना है आपको, और ट्विटर कैंपेन में थोड़ा सा अमीर होना है, बस ये मैं आपको मैं बताया था, ठीक है। सो पढ़ाई करो, प्राइवेटाइज का टेंशन मत लो, इसके लिए यूनियंस है, हम है, मतलब स्ट्राइक तो भाई ज़बरदस्त होगा। बस हम चाहते हैं कि देखो सारे पब्लिक सेक्टर कभी प्राइवेट नहीं हो सकता, अगर गवर्नमेंट चाह रहा है तो भाई ये 2-4 बैंक को प्राइवेट कर देगा, या फिर कुछ बैंक को मर्ज कर देगा। बट हम चाह रहे हैं क्या है कि हमारा यूनियन ये चाह रहा है कि भाई प्राइवेटाइजेशन का बिल कभी पास ना हो, बस ये हम चाह रहे हैं। क्यों हम दो बैंक को मतलब प्राइवेटाइज करें, उनका एम्प्लॉय का क्या होगा? सो ये हमारा यूनियन सोच रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, पढ़ाई करो अच्छे से, आगे आपका आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क है, आईपीएस पीओ क्लर्क है, एसबीआई पीओ क्लर्क दोनों ही आएगा, ठीक। पढ़ाई करो, आपको जॉब लेना है, तो ये इधर उधर का बात है, ये भाई पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में मत, मतलब अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है एग्जाम देना, आपका काम है एग्जाम में अच्छा करना, बस ये हो गया आपका काम। सो ये आपके काम के ऊपर ध्यान दो। बाकी थोड़ा सा 17th को मैं आपको ट्विटर कैंपेन का जो एजेंडा है वो आपके मैं दे दूंगा, हैशटैग का जो ये है मैं दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं हो तो ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं दे दूंगा, या फिर एक वीडियो के जरिए आपको मैं दे दूंगा। बस 5 मिनट आपके लाइफ से निकाल के थोड़ा सा सक्सेसफुल करवाना है हमें, ठीक है। सो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करो, आपके लिए सारे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर ही ख़राब हो जाए, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर ख़राब हो जाए, या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनका लाइफ ही ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय, पढ़ाई अच्छे से करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँचे, और वो भी थोड़ा एवर हो जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं और किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।